आगरा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर थाना सिकंदरा क्षेत्र के सनी टोयोटा के कर्मचारी की हत्या का एसएसपी आगरा ने खुलासा किया है। 18 अक्टूबर को गाड़ी खराब होने पर दो लोगों से मदद ली गई थी और मददगार ही हथियारे बन गए। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को टोयोटा मृतक कर्मचारी की मुरैना से बॉडी बरामद की गई थी। अर्जुन शर्मा और अमन शर्मा दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। लूट के इरादे से टोयोटो कर्मचारी की हत्या की गई थी। अर्जुन नामक आरोपी पहले भी दो लोगों की हत्याएं कर चुका है। इंडियन टीवी न्यूज के लिए आगरा से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 18/10 को सनी टोयोटा के जो एक कर्मचारी थे वो गायब हो गए थे और उनकी गाड़ी एक जगह खड़ी मिली थी। 19 इनकी जो डेड बॉडी है वो 19/10 को मुरैना में मिली थी और वहीं पर इसमें कार्रवाई शुरू हुई और 21/10 को थाना सिकंदरा में इनका मुकदमा लिखा गया। मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन एसपीसीटी साहब के निर्देशन में शुरू हुआ और इसका आज अनावरण हुआ है। इसमें दो अपराधी अर्जुन शर्मा और अमन शर्मा पकड़े गए हैं। इसकी मेन जो इसके पीछे मोटिव रहा है वो दिनांक 18 को लौटते समय इनकी गाड़ी जो सुरजीत खड़े थे इनकी गाड़ी फंस गई थी और ये दोनों लोगों ने जो आज पकड़े गए हैं इन्होंने उनकी गाड़ी निकालने में अन्य लोगों के साथ मदद की थी। जब गाड़ी बाहर निकल गई तो इनमें आपस में थोड़ा दोस्ती हो गई और ये फिर साथ साथ दावत खाने के लिए निकले। बीच में दोनों जो क्रिमिनल्स हैं इनकी नीयत खराब हुई और उन्होंने इन लूटपाट करने के लिए इनके सिर पर वार किया और इनकी हत्या की। इनके पास जो सामान था, जो चेक बुक थी, पासबुक थी, जो रुपया था, वो सब इन्होंने लूट लिया और इसके बाद ये डेड बॉडी को डिक्की में डालकर मुरैना फेंक कर आकर इन्होंने वापस लाकर गाड़ी खड़ी कर दी। इस केस के वर्कआउट होने में उनके पास से जो टोल की जो रसीदें मुरैना जाते समय वो बरामद हुई है, जो उनकी चेकबुक पासबुक हैं वो बरामद हुई है, जो तमंचा है उनके पास वो बरामद हुआ और जो स्पैनर जो जिससे उन्होंने उसकी हत्या की जिस पर खून लगा हुआ है वो बरामद हुआ है। तो आज इस केस का पूर्णतः खुलासा हुआ है। इसमें एक अपराधी पहले भी दो मर्डर कर चुका है और आत्तन अपराधी है और वो तीसरा मर्डर उसके द्वारा ये किया गया है। किस तरीके से किया जी? नहीं, ये प्री प्लांड मर्डर तो नहीं था, लेकिन क्योंकि अपराधी हैं और पहले मर्डर कर चुके हैं, अचानक जब इन्होंने देखा ये अकेला व्यक्ति है और हमारे साथ कार में जा रहा है तो इनके दिमाग में ये बात आई कि इसका मर्डर करने के उपरांत हम इसके पास से जो चीज़ें हैं वो ले लेंगे और पता भी नहीं चलेगा, उस डेड बॉडी भी दूसरी जगह डाल के दूसरे प्रदेश में डाल के। देखिए, जब बॉडी मुरैना में मिली और वहाँ से इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ तो क्योंकि हमारे यहाँ से ये गया था तो मुकदमा हमारे यहाँ लिखा गया और उसके बाद बहुत सारे जो सर्वलांस हैं, जो दूसरे मेथड्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, उनके माध्यम से इनका पता लगाया गया और इनकी गिरफ्तारी की। दोनों ही आरोपी आगरा के। दो हत्या की है, कौन थाना की? देखिए, थाना क्षेत्र, दोनों थाना क्षेत्र की, एक 2017 की, एक 2019 की है और वो बाकायदा रजिस्टर्ड है। तो इस मामले में मुरैना पुलिस में भी कुछ कार्रवाई करी है? देखिए, क्योंकि मर्डर हमारे यहाँ लिखा गया है और हमारा ही केस एक तरह से माना गया जो हमारे रजिस्टर्ड हुआ, तो हमारे यहाँ से सारी कार्रवाई। ऐसे ऐसे समाज के लिए दुश्मन।